अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ब्रेस्ट, दैट इज कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कार्सिनोमा आपको पता है पूरी ब्रेस्ट में सबको ही पता है कि सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है। एससीक्यूज एमसीक्यूज एवरी रिस्पेक्ट से कार्सिनोमा ब्रेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी ब्रेस्ट में, ठीक है। दूसरी बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मीडियम रॉबिन्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक, बिग करना जरूरी होता है। कुछ बातें एमसीक्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मिसिंग है। तो मैं आपने ये लेक्चर इस तरह से कंपाइल किया कि आपको बिग रॉबिन्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगती है, इसमें कोई शक नहीं, बिग रॉबिन्स पढ़ने लगो तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें मैं सारे पॉइंट्स के फॉर्म में वो बातें लिख दूंगी विच आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें, जाहिर सी बात है, जो कि थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, जो थोड़ी अननेसेसरी होती हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो शायद हम मिस भी कर दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उनको ओमिट करते हुए मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको बता दूंगी, ताकि आपको अगर मीडियम रॉबिन्स भी पढ़ लें और साथ ये देख लें तो आपको बिग को हाथ भी लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करना बहुत अच्छे से। आई टेल यू कि कौन सी चीज़ वहाँ मिसिंग है, ताकि आपको साथ साथ ही पता चलता रहे। सबसे पहले तो ये कि कार्सिनोमा आपको पता है कि व्हेनेवर देर इज एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, और वो जो सेल्स प्रोलिफरेट हो रहे हैं वो मैलिग्नेंट इन नेचर है, वो लोकलाइज नहीं है, वो मेटास्टिसाइज कर रहे हैं, उनमें एटिपिया है, तो वो हमेशा कैंसर होता है, वो भी इन्वेसिव टाइप ऑफ या मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। पहली आपने ये बात याद रखनी, एमसीक्यूज में आती है कि लंग कैंसर के बाद फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। और कैंसर कॉजिंग डेथ्स जो होती हैं फीमेल्स में, वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज द ब्रेस्ट कैंसर। याद रखने की बात इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाकी ऑर्गन्स को तो आप समझते हैं कि फिर भी वो अंदर है, लंग्स आपकी बॉडी के अंदर है, अगर कोई हार्ट का इशू है, किडनीज का इशू, वो सब आपकी बॉडी के अंदर छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा ऑर्गन है विच इज़ ऑन योर बॉडी, ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी, जो विजिबल है आराम से, जिसके लिए आपको कोई इन्वेजन भी नहीं खास किस्म की करनी पड़ी, उसके बावजूद भी इसमें इतना ज़्यादा कैंसर का लोड है, जो कि हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर 90 ईयर्स तक कोई वुमेन लिव करती है, जिंदा रहती है, तो उसमें 8 में से 1 में चांस होता है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होगा, इतना ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो चुका होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने इसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। याद रखना कि हमारे पास एक है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, हम कहते हैं ईआर पॉजिटिव कैंसर, तीन लफ्ज़ याद रखने हैं, एक होते हैं हर2 पॉजिटिव कैंसर्स, ठीक है, और एक होते हैं पीआर पॉजिटिव कैंसर्स। अगर हम कहते हैं कोई कैंसर ईआर पॉजिटिव है, ईआर स्टैंड्स फॉर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, इसका मतलब ये है कि जो सेल्स हैं ब्रेस्ट में उन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एक प्रोटीन है, ठीक है। रिसेप्टर्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं ना, तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इज अ प्रोटीन इन नेचर रिसेप्टर। तो मतलब ये है कि जो कैंसरस सेल्स बन रहे हैं हमारी उधर ब्रेस्ट में, उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से मजीद प्रोलिफरेट करें, क्योंकि ज़ाहिर रिसेप्टर जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर जब जब हार्मोन आएगा वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स उसको अपने अंदर उसमें फिक्स करवा लेंगे, और बहुत वाइड स्प्रेड एक्शन होगा। और ईस्ट्रोजन के, आपको पता है कि ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट की हाइपरप्लेजिया, ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है नॉर्मल केसेस में भी, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होती है, प्रेगनेंसी में भी होती है। तो अगर ईआर यानी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसमें ईस्ट्रोजन की मीडिएटेड, ईस्ट्रोजन की वजह से कैंसर की ग्रोथ हमारी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस ऐसे कैंसर को हम कहते हैं ईआर पॉजिटिव कैंसर। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये टर्म्स ना बार बार आएंगी कि ईआर पॉजिटिव मीन्स कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की एक्सेस है और ईस्ट्रोजन की वजह से कैंसर ग्रो कर रहा है। पीआर पॉजिटिव का मतलब है प्रोजेस्टेरोन की एक्सेस, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से कैंसर ग्रो कर रहा है, ठीक है, सिमिलरली जैसे ईस्ट्रोजन का ज़्यादा हो जाए। हर2 पॉजिटिव जो कैंसर होते हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर आपके ईआर होते हैं पॉजिटिव, उसके बाद पीआर पॉजिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ईआर पीआर पॉजिटिव होते हैं, यानी जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जो ईआर पीआर नेगेटिव हो, जिनमें दोनों ही नेगेटिव हो, ठीक है। तो इससे ऐसी कोई मसले की बात नहीं होती, लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपके ये दोनों पॉजिटिव हो, या कोई एक पॉजिटिव हो, या कोई भी पॉजिटिव हो, ठीक है, हो सके दोनों ही ना हो। हमारे पास जो एक तीसरा है वो है हर2 पॉजिटिव। हर2 क्या है? आपकी ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, HER स्टैंड्स फॉर ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये भी आपकी 2 साथ उसके मतलब पूरा नाम है, हर2 है इसका पूरा नाम। तो ये भी आपकी एक ऐसी प्रोटीन है जो सेल्स में ग्रोथ करवाती है एबनॉर्मल, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोटीन, नाम समझ आ रहा है ना, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मिस की ग्रोथ करवाने वाला फैक्टर का रिसेप्टर।
तो मतलब ये कि अगर किसी एरिया में ये वाला प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी तो उन सेल्स में ग्रोथ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दिस इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. HER2 जो है वो बहुत ज़्यादा कैंसर कॉज, मतलब जो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं और भी आप कैसे कैंसर है जिसमें HER2 प्रोटीन पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है. तो ऐसे भी कैंसर्स होते हैं हमारे पास 10 से 20% जिसमें ये पॉजिटिव आती है. उसका मतलब होता है कि वो वाले कैंसर ज़्यादा इन्वेसिव हैं और ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होते हैं जो HER2 पॉजिटिव होते हैं. तो इन्हीं रिसेप्टर्स की बेस पे हमने 3 मेन क्लासेस बनाई हुई. याद रखना कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन को हमने इतना शामिल नहीं किया हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी कॉमन. ज्यादा कॉमन ER पॉजिटिव एंड HER2 पॉजिटिव है. प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर या PR पॉजिटिव इतना कॉमन नहीं है. जैसे जो हमारी मेन क्लासेस हैं जो आपकी मीडियम रॉबिन्स में भी मिलेंगी, आपको बिग में भी मिलेंगी, उनमें हमने PR को शामिल नहीं किया हुआ. ठीक है, तो पहली क्लास वो है कि जिसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इज पॉजिटिव एंड HER2 इज नेगेटिव. ठीक है, ये वाले कैंसर्स मोस्ट कॉमन है और बहुत फास्ट ग्रोइंग नहीं है. ईस्ट्रोजन पॉजिटिव जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर जो पॉजिटिव होते हैं वो ईस्ट्रोजन थेरेपी हम एक देते हैं, आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस दे देते हैं. ठीक है, फिर हमारा दूसरा ग्रुप है जिसमें HER2 पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा ये वो कैंसर्स होंगे जो फास्ट ग्रोइंग होंगे, इन्वेसिव होंगे. ठीक है, अब इसमें HER2 के साथ ये भी हो सकता है कि ER पॉजिटिव हो तो इसमें दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी हो सकता है कि HER2 के साथ ER नेगेटिव हो तो उसमें HER2 पॉजिटिव ER नेगेटिव हो जाएगा. तो मतलब ये कि इट इज़ अ चांस, दोनों हो सकते हैं. और तीसरी वो टाइप है जिसमें ER भी नेगेटिव है, HER2 भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव, इसको हम कहते हैं डबल नेगेटिव. और अगर हमारे पास साथ PR वाला जो है प्रोजेस्टेरोन है वो भी नेगेटिव आ जाए तो फिर हम कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव कैंसर. और ये वाले जो कैंसर्स होते हैं ट्रिपल नेगेटिव, इनको किसी भी थेरेपी से रिस्पॉन्स बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वाई द सेल्स आर ग्रोइंग. ER भी नेगेटिव है, PR भी नेगेटिव है, HER2 भी नेगेटिव है. ठीक है, तो ये 3 मेन ग्रुप्स हैं, आपने याद रखने. एक में आपने इसको पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव, दूसरे में इसको पॉजिटिव कर देना है, ER को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, और तीसरे में दोनों नेगेटिव. ये सिर्फ आपके इसलिए क्योंकि बताना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, बिकॉज ये MCQ में एक तो बात आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा ये बार बार आपके आगे रिपीट होंगे कि दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो इसलिए एक दफ़ा समझ लेंगे तो अच्छी बात है. अच्छा, इंसिडेंस एंड एपिडेमियोलॉजी भी. वैसे हम नॉर्मली मैं एपिडेमियोलॉजी को अक्सर वक्त स्किप करती होती हूँ क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट हमारी पैथो में नहीं होती, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी बार बार आती होती है, इसकी MCQs में आती है, डिफरेंट बातें इसकी आपसे वाइवा में पूछते हैं, तो इसलिए आपको आनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि एज जैसे जैसे इंक्रीज होती है, आपको पता है मीनोपॉज आता है, मीनोपॉज के बाद हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन खत्म हो जाती है. ईस्ट्रोजन के हार्मोन की जब सिक्रीशन खत्म होती है तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की ज़्यादा उसमें, स्पेशली वो वुमेन, ऐसी वुमेन जब ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिनको नॉर्मल सिक्रीशन तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं यानी कि वो ओरल इनटेक में ईस्ट्रोजन लेना शुरू कर देती हैं, उनमें ये कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ER पॉजिटिव कैंसर्स जितने भी हैं वो इंक्रीजिंग एज के साथ साथ उनका चांस बढ़ता जाता है. ठीक है, आपने बात याद रखनी है, बिकॉज बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो रही होती है, ऐसे में स्पेशली वो वुमेन जो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना शुरू कर दें उनमें कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो एज रिलेटेड चेंज जो है वो ER के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है और HER2 के साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है. अगर कोई कैंसर HER2 पॉजिटिव है तो उसमें एज का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारी एजेस में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, चाहे यंग है, चाहे ओल्ड है, चाहे एडल्ट है, नो मैटर. इसी तरह जितने भी यंगस्टर्स में हमने कैंसर्स देखे हैं, जो यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, वो मोस्टली ER नेगेटिव होते हैं. ठीक है, चाहे उनमें HER2 हो या ना हो, लेकिन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम इज नेगेटिव. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. उसके बाद हमारे पास अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आगे हम पढ़ेंगे कि दो तरह के कैंसर होते हैं, एक कार्सिनोमा इन सीटू होता है, मतलब जो भी ज़्यादा फैला नहीं है, और एक इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है. उसमें भी हमारे पास फिर कार्सिनोमा इन सीटू में भी एक डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है, एक लोबिलार कार्सिनोमा इन सीटू होता है. ठीक है, ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर बताने में, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में आपको बता रही हूँ, तो हमने आपको याद है कि हमने पहले कहा था कि बिफोर 1990 स्क्रीनिंग और बाय मेमोग्राफी इतनी कॉमन नहीं थी. ठीक है, मेमोग्राफी नहीं की जाती थी स्क्रीनिंग करने के लिए. स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि एसिम्प्टोमेटिक फीमेल्स की भी मेमोग्राफी की जाए और चेक किया जाए कि आइदर उनमें कैंसर है या नहीं है. लेकिन उसके बाद जब से मेमोग्राफी की जा रही है तब से स्पेशली जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाते हैं, और उनकी वजह से जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम होगी. बिकॉज DCIS कोई पैल्पेबल मैस नहीं बनाता, और जब बनती है पैल्पेबल मैस का मतलब है कि कोई लंप, फीमेल को जब तक कोई लंप फील नहीं होगा, कोई पेन फील नहीं होगी, वो तो कंप्लेन नहीं करेगी ना. तो ये कैंसर ऐसे है कि अंदर के अंदर ग्रो करता जाता है, कोई मैस नहीं बनती, कोई पेन नहीं होती, और जब बहुत एडवांस स्टेज आ चुकी होती है तब जाके पता चलता है कि यार ये तो इतना तबाही मच चुकी है. तो क्योंकि मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग अब जब से शुरू की गई है स्पेशली हाई रिस्क फीमेल्स की,
तो इसका प्रेवलेंस की वजह से और इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गई है, बिकॉज ये अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। लेकिन जो दूसरे वाले हमारे लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। फिर एथनिक वेरिएशन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इस तरह से कि जो वाइट फीमेल्स हैं जो बाहर गोरे हैं, यूरोप की साइड है वहाँ पर ये ज़्यादा है रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का, और एशियन कंट्रीज में कम है। उसकी वजह एक बहुत ज़्यादा ये है कि जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है कि आपके जो है, अभी मैं आगे आपको रिस्क फैक्टर्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में आपको पता है कि वो देर से प्रेगनेंसी करना एंड लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होना या फिर एक अध बच्चा ही होना एंड ब्रेस्ट फीडिंग वो बिल्कुल भी नहीं कराते, ज़्यादातर दूसरी फीड देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नेचुरल वे से दूर जाते हुए वेस्टर्न डाइट जो है ये आपको कैंसर का रिस्क बहुत इंक्रीज करती है। ठीक है, अभी रिस्क फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, लेकिन अब एशियन में इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि एशियन वालों ने भी वेस्टर्न तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बात अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो रिस्क ऑफ डेथ है विद दिस, ये हमारे पास जो कैंसर है ये पहले तो बहुत अरसे तक 30% था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग आई है एकदम से ही 20% तक रिड्यूस हुआ है। लेकिन अभी भी हम इसको लार्ज अमाउंट में रिड्यूस नहीं कर सके, जो कि अभी कोशिश की जा रही है करने की। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो से रिस्क फैक्टर्स पढ़ते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस, स्पोरैडिक कॉज, फेमिलियल। अभी तक कोई मसला हो किसी को यू कैन आस्क मी। थैंक यू।